हेलो गाइस, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब प्रोफेशन। गाइस, एंटोनिम सीरीज़ में आपका स्वागत है। गाइस, ये एंटोनिम सीरीज़ का पार्ट फोर है। इसके पहले मैं पार्ट वन, पार्ट टू और पार्ट थ्री ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ चैनल पर। अगर आप उनको देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। और ये सारे एंटोनिम्स हमारे UPSL के एग्जाम के पर्पज़ से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इनको ज़रूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पार्ट। तो आज का हमारा पहला एंटोनिम्स है, पहला हमारा वर्ड है इग्नोमिनियस, मतलब कि इसका मतलब होता है अपयश, बदनामी। तो इसका अगर एंटोनिम की बात की जाए तो ये हो जाएगा ऑनरेबल, यानी कि आदर योग्य। और इसके कुछ और एंटोनिम देख लेते हैं तो हो जाएंगे ग्लोरियस या ग्रेसफुल। नेक्स्ट हमारा है इनविटेबल, इनविटेबल मीन्स होता है अनिवार्य। तो इसके अगर एंटोनिम की बात करें तो वो हो जाएगा अवॉइडेबल, यानी कि परिहार्य, या इविटेबल या अवर्टेबल। नेक्स्ट हमारा इम्यून, इम्यून ये इम्यून सिस्टम से बना है, जैसे इम्यून सिस्टम आप इन जनरल वे में यूज करते हैं इम्यून सिस्टम, कि आपका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, मतलब रोग प्रतिरोधक जो क्षमता, तो वही इससे सेंस निकल कर आता है इम्यून, मतलब कि प्रतिरक्षित। तो इसका अगर हम एंटोनिम की बात करें तो इसका हो जाएगा वनरेबल, मतलब असुरक्षित। और कुछ और एंटोनिम देखें तो हो जाता है सेंसिटिव, थिन स्किन्ड, और भी कई सारे इसके एंटोनिम निकल कर आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है इनऑफेंसिव, इनऑफेंसिव का मतलब होता है हानि न पहुंचाने वाला। इनऑफेंसिव का क्या मतलब होता है, हानि न पहुंचाने वाला। देखिए ऑफेंस मतलब क्या होता है, सुरक्षा के क्षेत्र यूज करते हैं ना ऑफेंस करना, तो इनऑफेंसिव उसी से मिलकर बनाना, मतलब हानि न पहुंचाने वाला। तो इसका अगर हम एंटोनिम की बात करें तो हो जाता है रूड, यानी कि असिस्ट। और कुछ और इसके एंडोनिम देखते हैं तो वो हो जाते हैं अनसियोरी और नॉइसम। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारा है इनक्विसिटिव, इनक्विसिटिव मीन्स होता है जिज्ञासु, ठीक है। तो इसका अगर हम एंटोनिम की बात करें तो अनकंसर्नड, उदासीन, मतलब जो किसी को किसी चीज़ की चिंता ही ना हो, अनकंसर्नड यानी कि उदासीन। इसके और कई सारे एंटोनिम हैं जो हम देख लेते हैं, अपैथेटिक, इनडिफरेंट, केयर फ्री, कंप्लेसेंट या रिलैक्स्ड, ये सारे इसके एंटोनिम हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है आइडियोसिंक्रेंसी, नेक्स्ट हमारा है आइडियोसिंक्रेसी, मतलब कि व्यक्तिगत विशेषता। देखिए आइडियल, जैसे आइडियल मतलब होता है ना विशेष, आइडियल किसी चीज़ का आदर्श, तो वही व्यक्तिगत आइडियोसिंक्रेसी मतलब व्यक्तिगत विशेषता। तो इसका अगर हम एंटोनिम की बात करें तो ये हो जाएगा जनरलिटी, मतलब सामान्यता। कुछ और एंटोनिम्स अगर हम देखें तो वो हो जाते हैं हमारा कंप्रिहेंसिवनेस या यूनिवर्सैलिटी या कमोमेंस या कमोनेंस। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं कमोनेंस, कमोनेंस होगा नेस, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं तो वो हमारा हो जाएगा जोपार्डी, जोपार्डी का मतलब होता है संकट में, ठीक है। तो देखिए संकट में जब बात की जा रही, तो अगर हम इसके एंटोनिम की बात कर दें तो वो सुरक्षा, सेफ्टी हो जाता है। और इसके कुछ और अगर एंटोनिम देखें तो हो जाता है सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन या सेफ गार्ड। नेक्स्ट हमारा है नॉक या नेक, आप जो भी बोलें, तो नेक मतलब होता है कुशल या दक्ष, यानी क्षमता, कौशल जिसको हम बोल सकते हैं। तो मतलब कि अगर इसके एंटोनिम की बात करें तो इनेबिलिटी, मतलब कि असक्षम, असमर्थता ये बोल सकते हैं। तो इसके तो कुछ और एंटोनिम अगर हम देखें तो इनएडक्वेसी मतलब अपर्याप्तता, इनकैपेसिटी मतलब अक्षम, या इनएप्टीट्यूड, ये सारे इसके कुछ हो जाते हैं एंटोनिम्स हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है लेनियन, लेनियन मतलब होता है उदार या दयालु। तो देखिए स्ट्रिक्ट हो जाएगा इसका मतलब कि सख्त। तो इसके और हो जाएंगे शिवर या ब्रूटल या हेटफुल। नेक्स्ट हमारा है लैटिन, लैटिन मीन्स होता है गुप्त या सीक्रेट। तो देखिए इविडेंट मतलब कि प्रामाणिक, ठीक है। और इसके कुछ और हो जाते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड, कैंडिड मतलब कि साधारण, सज्जन, और आउटस्पोकन या प्रिसाइज, ये कुछ इसके एंटोनिम हो जाते हैं। नेक्स्ट है मैन्यूस्कल, देखिए मैन्यूस्कल मतलब माइन्यूट से बना है, मैन्यूस्कल मतलब कि अल्प या बहुत कम। तो इसका मासिव हो जाएगा मतलब विशाल या बड़ा। तो इसके अगर और हम एंटोनिम देखें तो हो जाता है मैजिस्कल या गिगेंटिक या ह्यूज, गिगेंटिक मतलब विशाल का है, ह्यूज मतलब भी विशाल हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं मैमूथ, मैमूथ का मतलब होता है विशाल का है, मैमूथ मतलब विशाल का है। तो मैमूथ मतलब माइन्यूट, तो इसका मतलब एंटोनिम अगर हम देखें तो वो हो जाएगा माइन्यूट, यानी कि सूक्ष्म या बहुत छोटा। और कुछ और एंटोनिम देखें तो स्मॉल, टीनियर, पुनी, ये सारे इसके एंटोनिम हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है मिटिगेट, मिटिगेट मतलब होता है किसी चीज़ को कम करना, मिटिगेट। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा एनहेंस, मतलब कि बढ़ाना। और उसके कुछ और एंटोनिम हो जाते हैं एग्रवेट, इंक्रीज या एक्सर्बेट, ये कुछ हो जाते हैं इसके एंटोनिम हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है मैलिस, मैलिस मतलब होता है द्वेष, मैलिस का मतलब है द्वेष, मतलब कि बुरी भावना। तो इसका एंटोनिम अगर देखें तो बहुत सबसे बेस्ट एंटोनिम है गुडविल, मतलब कि सद्भाव। तो कुछ और एंटोनिम हो जाते हैं तो बेनिवोलेंस या काइंडनेस, ये इसके कुछ और एंटोनिम हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा मेटिकुलस, मेटिकुलस का मतलब होता है अति सावधान या मतलब कि सतर्क, जब कोई बहुत ज़्यादा सावधान होगा तो मतलब कि सतर्क ही होगा। तो इसका मतलब अगर एंटोनिम की अगर हम इसकी बात करें तो वो हो जाता है केयरलेस, यानी कि बेपरवाह,
कुछ और अगर एंटोनिम देखें तो हो जाते हैं रिगार्डलेस या इनएक्टिव, सॉरी इनअटेंटिव, इनएक्टिव नहीं सॉरी इनअटेंटिव, मतलब कि केयरलेस या मतलब कि बेपरवाह, और रिगार्डलेस या इनअटेंटिव, ये कुछ इसके क्या हो जाते हैं एंटोनिम्स हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा आता है मेंडरिंग। मेंडरिंग का मतलब होता है इधर उधर फिरना। मेंडरिंग का मतलब क्या होता है, टेढ़े मेढ़े घूमना या इधर उधर फिरना, तो इसका मतलब हो जाता है आपका स्ट्रेट, मतलब कि सीधा। नेक्स्ट हम देखते हैं तो हो जाता है मोनोटोनस। मोनोटोनस का मतलब होता है एक स्वर या नीरस। देखिए अब देखिए सेंस देखिए इंग्लिश में कितना मायने रखता है, एक स्वर भी इसका है या नीरस। तो देखिए इसका हो जाता है इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग मतलब हो जाता है आनंदित करने वाला, मतलब बहुत ही रोचक इंटरेस्टिंग। फिर और इसे कुछ देखें अगर एंटोनिम्स हो जाते हैं लिवली या कलरफुल। नेक्स्ट हमारा है नोटोरियस। नोटोरियस का मतलब होता है नेगेटिव सेंस में होता है यूज होता है, यानी कि कुख्यात। तो इसका मतलब हो जाता है रिपुटेड, मतलब कि जो सम्मानित हो या प्रख्यात हो। नेक्स्ट अगर हम देखें तो होता है ब्लेमलेस या नोटिसेबल या रिस्पेक्टेड। नेक्स्ट हम बात करते हैं नोवेल। नोवेल का मतलब होता है नए प्रकार का एवं अद्भुत। नोवेल का मतलब होता है नए प्रकार का एवं अद्भुत। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा बैनल। क्या हो जाएगा, बैनल। बैनल मतलब सामान्य या साधारण। कुछ और इसके देखें तो मंडेन, ऑर्डिनरी या अनओरिजिनल, ये इसके कुछ और एंटोनिम हो जाते हैं। नेक्स्ट हम अगर बात करते हैं तो वो हो जाता है हमारा निगार्डली। निगार्डली का मतलब होता है कंजूस या मितभी, कंजूस या मितभी। तो इसका मतलब सबसे एंटोनिम हो जाएगा लेविसली, मतलब कि खुले हाथों वाला, बहुत ही एक्स्ट्रा वैगेंट जिसको हम बोल सकते हैं। तो कुछ और जगह थ्रिफ्टलेस और प्रोफिगेट और प्रोडिगल या एक्स्ट्रा वैगेंट जो मैंने अभी यूज किया, और या वेस्टफुल, ये सारे इसको एंटोनिम हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है ऑब्सक्योर। मतलब ऑब्सक्योर मतलब अंधकार में, अस्पष्ट। तो अस्पष्ट की जब बात की जा रही है तो सबसे सटीक इसका एंटोनिम हो जाएगा क्लियर, मतलब कि स्पष्ट। नेक्स्ट अगर देखें तो रिनाउंड या डिफिनिट या इंटेलिजिबल या स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये क्या हो जाते हैं इसके एंटोनिम हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट मतलब होता है जिद्दी। तो इसका देखिए डोशिल मतलब कि नम्र या विनीत इंसान, यानी कि कंप्लेंट या एमिनेबल, अमेनेबल या प्लाइंट, ये इससे कुछ एंटोनिम हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा देख लेते हैं तो ये है आउटरीजियस। आउटरीजियस का मतलब होता है निंदनीय। आउटरीजियस मतलब कि निंदनीय। तो इसका आपको अगर एंटोनिम की बात की जाए तो ये हो जाता है जॉली, मतलब कि शानंद या सुख। नेक्स्ट हमारा है मेथफुल, यानी कि मेथफुल या जूवियल, ये सारे इसके एंटोनिम हो जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओवर्ट, मतलब प्रत्यक्ष, खुला हुआ जिसको हम बोल सकते हैं। तो मतलब हिडन मतलब कि छिपा हुआ। तो इसके अगर और एंटोनिम देखें तो क्लैंडेस्टाइन, सीक्रेट या कोवर्ट, यानी ढका हुआ, इस तरह से इसके कुछ एंटोनिम हो जाते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो हमारा आपको पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि इसी तरह की हम यूपीपीएससी से रिलेटेड आपको तैयारी करवा सकें। तो दोस्तों अगर आपके कोई डाउट हैं या आपके माइंड में कुछ क्वेश्चन या आप किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। और दोस्तों मैंने सोचा है कि हर मंथ में जो करंट है एक महीने का, उस पर मैं वीडियोस आपको बना के दूँ। तो मैं अभी उस पर वर्क कर रहा हूँ, जो हमारा अक्टूबर मंथ सॉरी नवंबर का जो करंट अफेयर्स है वन मंथ का, तो उस पर मैं वीडियो जो है प्रिपेयर कर रहा हूँ और जल्द ही वो आज या कल मैं आपको अपलोड कर दूँगा। अगर आपको पसंद आया तो उसको लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमें बताइएगा कि उसमें और क्या आप इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, और अगर पसंद आया तो उसको शेयर भी करिएगा दोस्तों के साथ, ताकि हमें भी लगे कि हमारी भी मेहनत सफल हो रही है और आप लोगों की मेरी वीडियो पसंद आ रहे हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।